हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज अ क्लास फॉर ऑल जॉइनर्स। ये क्लास उन जॉइनर्स के लिए है, उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनका एनबीएस केवीएस में रिटन एग्जाम ऑलमोस्ट क्लियर है, जो इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है आपके क्वेश्चंस के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। अगर आपके पास कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो, प्रोफेशनल क्वेश्चन हो, आपको लगता हो कि सर इसका आंसर आप हमें दे दीजिए, तो बिल्कुल मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ और आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो आप सबको मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पर। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि एक लिमिटेड टाइमिंग की क्लास है। इस लिमिटेड दौर के अंदर मैं चाहता हूँ मैं आपको ज्यादा से ज्यादा दे सकूँ। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, इवन आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, आई एम रेडी टू हेल्प यू। क्योंकि यहाँ पर आने वाले सिर्फ सिंसियर लोग ही होंगे और लिंक उन्हीं के पास गया है जो रियल में सिंसियर है, जिनके पास रियल में सिंसियर क्वेश्चन है, बातें हैं, और जो रियल में कुछ ऐसा पूछना चाहते हैं जो उनको हेल्प करे। मैं चाहूंगा आप सबको कि आप सब हेल्प लीजिए। व्हाट एवर क्वेश्चंस आर इन योर ब्रेन यू कैन आस्क, आई विल डेफिनेटली आंसर यू एंड ट्राई माय बेस्ट टू गिव द जेन्युइन आंसर्स ओवर हियर। नो बायसनेस एट ऑल, यू ऑल आर इक्वल फॉर मी एंड यू ऑल आर ऑल्सो माई स्टूडेंट्स। सो मेनी ऑफ द पीपल आर विजिबल टू मी हेयर, कविता, विधि, संगीता, मंजू, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू। आई सजेस्ट यू शुड स्टार्ट योर टॉकिंग एंड आस्क योर क्वेश्चंस। रिगार्डिंग एन इंटरव्यू वी हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस इन योर ब्रेन, सो आई इनवाइट यू, मैं आपको इनवाइट करता हूँ और वेलकम करता हूँ। ओके, आपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सुनील, विधि, संगीता, मंजू, कविता, व्हाट एवर योर क्वेश्चंस आर देयर, आप बिल्कुल पूछिए एंड बी रेडी टू टॉक विद मी, नो वरी एट ऑल। आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू, anybody having any question you are free to ask. Hello, yes Mr. Sunil. Hello, haan ji Sunil, hello, poochiye question. Sir, mera KVS CGT W hai, hello. Haan ji Sunil boliye. हाँ सर, मेरा केवीएस टीडब्ल्यूई में 134 मार्क्स आ रहा है 180 में से, तो इंटरव्यू के चांसेस हैं क्या सर? चांसेस तो बनते हैं यार, बिल्कुल बनते हैं, पर देखो नोबडी इज 100% श्योर। सामने आ जाओ सुनील, नो वरी एट ऑल। देखिए क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास है ना, हम लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, वो आपको गाइड करते हैं रिगार्डिंग दिस, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, कोई 100% ये नहीं कह सकता, मगर जहां तक मुझे लगता है मार्क्स अच्छे है सुनील, देयर इज नो वरी एट ऑल। ओके, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, डेफिनेटली यू कैन सर्वाइव इन दिस इंटरव्यू और यू विल बी कॉल्ड, आई फील एज़ इफ। ओके ओके सर, सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इंटरव्यू यू कैन आस्क मी, आई एम डेफिनेटली रेडी टू हेल्प यू आउट, नो शाइनेस, स्पेशली गर्ल्स आर देयर, सो यू शुड नॉट हैव अ शाई नेचर ऑफ नॉट आस्किंग द क्वेश्चंस। आपने शायद कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस नहीं देखी हमारे स्टूडेंट्स में, वो आपस में इतना डिस्कशन करते हैं, इतनी बातें करते हैं, अगर आप शाइनेस करके बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि लोग क्वेश्चंस पूछे तो आप उसका बेनिफिट कैसे उठाओगे? विधि, संगीता, मंजू, कविता, वैशाली, ओपननेस एंड टॉक विद अस, ओके, कम फ्रंट एंड बी ओपन एंड टॉक टू अस, नो वरी एट ऑल। ओके, ऑल अदर्स, दोज हु आर हैविंग देयर क्वेश्चंस इन देयर ब्रेन, वेलकम। हेलो, गुड इवनिंग सर, दिस इज, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? विधि, प्लीज कंटिन्यू विद योर क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट। यस, यू आर ऑडिबल मंजू, विधि। ओ सर, आई थिंक मतलब मुझे ऑन दिस फीलिंग आ रही है, वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन, वन बाय वन। माय क्वेश्चन इज, यस प्लीज कंटिन्यू। So my question is that कि मुझे मतलब feeling आ रही है कि हो जाएगा interview तक, but sir मैं interview coaching अभी लेने के लिए ready नहीं हूँ, जब तक list में नाम ना आए, तो till then what should I study? मैडम फिर बेस्ट आपका ये रहता है कि आप अपने ना सब्जेक्ट पे कमांड बनाइए थोड़ी सी और अपने डेमोज पे वर्क करो, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि हम अगर 100% भी मान रहे हैं ना इंटरव्यू के एग्जाम का, तो ये मानिए कि करीबन परसेंटेज वाइज 50% क्राइटेरिया हमारे डेमो पर जाता है, तो आपका डेमो बहुत शानदार होना चाहिए, उसका जो वे है, उसका जो बेस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए डेमो की, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई कैन से। तो आपने डेमो पे वर्क करिए, बाय दैट टाइम
आपके डेमो की प्रूडेंसी बनाओ, आपके डेमो के अंदर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दो, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन देखो किस तरीके से आपकी वॉइस निकल रही है, आपके एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं। अगर अच्छे आ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, नो वरी एट ऑल। आप बिल्कुल डेमो के अकॉर्डिंग ही अपने मार्क्स क्वेश्चंस को पुटअप करो। फॉर पीआरटी एग्जाम अ सेफ स्कोर, पार्डन, 150 मार्क्स फॉर पीआरटी एग्जाम एक्सीलेंट इज अ मार्क्स, डोंट सेफ वरी, यू आर गोइंग स्कोर गेटिंग गुड ना? मार्क्स, यू कैन हैव योर क्वेश्चंस एज पर एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, नो वरी एट ऑल। अच्छे है, गुड, वेरी गुड। और सो बट आई डोंट आज ऑलवेज गिविंग एश्योरेंस 100% टू एनीबडी, और ना ही कोई दे सकता है। अगर आपने कोई वीडियो भी देखे होंगे तो वो ब्लफिंग ज्यादा होती है, क्योंकि 100% श्योरिटी है ही नहीं। मगर ये है कि मार्किंग से कुछ एवरेज निकल सकती है कि अच्छे मार्क्स है कि नहीं है, मुझे अच्छे लग रहे हैं, देयर इज नो वरी एट ऑल। सो एनीबडी आई शुड एल्स, स्टडी माय फर्स्ट ओनली टू विधि इज 5th? आस्किंग क्वेश्चन। विधि, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप क्वेश्चंस ना पूछो, मगर यहाँ पर वैशाली, गरिमा, संगीता, मंजू, कविता, इतने लोग हो, पर अपनी शाइनेस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ते, और शायद इसी वजह से इंटरव्यू में आप इतने फंबल होते हो। आपने कभी हमारे स्टूडेंट देखे कितने बोल्ड रहते हैं बात करने में? कभी उनकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस देखी है? अगर ऐसे शाई करते रहोगे ना तो लाइफ के लास्ट पार्ट तक शाई करोगे। तो यू शुड हैव द एबिलिटी टू टॉक टू योर सर। आपको मौका दे रहा हूं मैं, अदरवाइज आई हैव लॉट मेनी अदर प्रोफेशन टू गो विद, आई कैन गो विद एनी वर्क। मगर मैं चाहता हूँ उन कैंडिडेट्स को ही मौका मिले जो शायद अपने टच में ना आए मगर कुछ बेनिफिट ले। मगर वो लोग भी अगर ऐसे बंद करके सिर्फ सुनते रहेंगे तो वो डेवलप कैसे होंगे, आप बताइए। इफ विद इज आस्किंग एंड टॉकिंग, व्हाई नॉट गरिमा, व्हाई नॉट संगीता? सुनील ने भी कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया। कैमरा भी ऑन करते हुए हमारे बच्चे शर्माते हैं कि बात कैसे करें हम सर से, देखो कितने शाइनेस है तुम्हारे अंदर, तो तुम इंटरव्यू चैम्बर में कैसे बैठोगे लोगों के सामने, सोचिए। तो आपने आपको इतना फ्लरिश करो, इतना कॉन्फिडेंट बनाओ कि यू आर एबल टू टॉक विद मी, इतना शाइनेस कैसे चलेगा आप बताइए? हाउ विल यू टॉक विद मी देन? तो यू शुड हैव एन एबिलिटी टू टॉक टू योर टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बी कॉन्फिडेंट ओवर देयर। अपनी एबिलिटी दिखाना शुरू करो, अदरवाइज व्हाट हैपेंस इंटरव्यू चैम्बर के अंदर, मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2019 में इंटरव्यू देने गए थे और आज यहाँ पर है। उनका सिर्फ एक ही कहना था, सर अगर इस तरीके की कोचिंग हमको पहले मिल जाती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। चलो मुझे देखकर, कम से कम सुनील ने मेरी बात को सुनकर सामने आए, कोई शाइनेस नहीं होनी चाहिए सुनील। अगर हम शाइनेस करेंगे तो बात कैसे करेंगे, फेस कैसे करेंगे इंटरव्यू को, इंटरव्यूअर को कैसे फेस करेंगे अगर आप इस तरीके से शाइनेस करते रहेंगे तो। और हो सकता है आपके मन के अंदर जो फोबिया, उस फोबिया को जितना जल्दी उसके निकालो, वरना क्या होगा, इंटरव्यू चैम्बर तक तुम लोग इसी तरीके से शाइनेस करोगे, आई कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाओगे। सुनील, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? कोई इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हो बच्चे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई कैन गिव यू द अच्छा बेस्ट सुनील पॉसिबल भाई, आंसर फॉर वेट यू, नो कर वरी। रहे थे आप। हाँ हाँ जी सुनील, थोड़ा नेटवर्क इश्यू सर, लग मैं रहा है मुझे रिजल्ट का आपका। वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद फिर लिस्ट में नाम आएगा तो ज्वाइन करेंगे। कोई बात नहीं सुनील, मैटर ये नहीं करता कि आप ज्वाइन करते हो कि नहीं करते। देखिए आज की जो क्लास है ना, धनंजय, गरिमा, सुनिए ध्यान से, आज की जो क्लास है वो ये है कि मैं आपको कुछ अच्छे टिप्स दूं, कोई अच्छी बातें बताऊं। मेरा मोटो ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ज्वाइन करवाऊं, ज्वाइन करने के लिए मेरे पास दुनिया बहुत है और मेरे पास काम बहुत है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही प्रोफेशन के अंदर हूँ, ईश्वर ने बहुत काम दिए हैं, मगर मेन ये है कि जो भी काम करो उसके अंदर 100% करो। तो अपना मोटो ये है कि जो बच्चे अपने साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो मैं ये लिंक ऐसा करता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स को रेफर करता हूँ, अगर पॉसिबल होता है तो, क्योंकि मैंने उन्हें कन्वे नहीं किया था, दिस इज क्वाइट अ डिफरेंट क्लास फॉर स्पेशली फॉर यू पीपल, ताकि आप लोग बात करो। मगर आप लोग इस तरीके से शाइनेस करेंगे तो कैसे बात करोगे बच्चों? आप लोग क्वेश्चंस नहीं पूछोगे। सर यार नेटवर्क इशू है, तो सर यार नेटवर्क सर इशू है, मे अगर आई वीडियो ऑन आस्क करूंगा वन तो फिर नेटवर्क बराबर नहीं क्वेश्चन? आएगा। ओके ओके, नो वरी, चलिए कोई बात नहीं। पर ये यार कि आपका नेटवर्क इशू, चलो मैं मान सकता हूँ, मगर उसके अलावा आपकी शाइनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मीन्स ये मान लो कि आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि लगना चाहिए कि हाँ यार आप कॉन्फिडेंट बंदे हो। नेटवर्क इश्यू है, ठीक है, प्रॉब्लम है, नो वरी एट ऑल। और लिमिटेड टाइम के लिए आपकी क्लासेस होती है तो उसको आप इंजॉय करो, उसके अंदर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी दिखाओ। इट शुड नॉट बी ए शाई नेचर पर्सन एट ऑल, वो नहीं होना चाहिए आपका। हाँ जी हेलो वैशाली, आपके सर, क्वेश्चन बोलो, क्या क्वेश्चन पूछना चाहती हो? माय हेलो क्वेश्चन इज सर, आई जस्ट हर्ड बाय सो मेनी पीपल दैट यू कैन ओनली गिव द आंसर इन इंग्लिश, सो आई वांट टू नो दैट इज इट ट्रू और नॉट, नो कैन दैट इज वी नॉट अ स्पीक केस, लिटिल बिट बट हिंदी? लिसन मी नाइसली पूजा। एक्चुअली व्हाट हैपेंस पूजा, लॉट मेनी टाइम्स पीपल आर थिंकिंग दैट इंग्लिश प्लेज अ वाइटल रोल, और आई पीपल आर हैविंग दिस इन देयर माइंडसेट, नॉट एट ऑल। इफ यू रिमेन बाइलिंगुअल इन योर इंटरव्यू, इंटरव्यूअर विल फील एज इफ दैट यू नो इंग्लिश वेरी वेल,
and they will not cope up with you in English. But if you totally speak in Hindi, they will definitely ask you that how will you survive outside of northern part, how will you survive there. तब उस समय आपको प्रॉब्लम आएगी. तो आप अपने इंटरव्यू को बाइलिंगुअल रखिए, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ. ऐसा नहीं है वैशाली, नहीं आएगी. मगर एक बात ध्यान रखना, कंप्लीट हिंदी में मत बोलना, ये भी ध्यान रखना. क्योंकि देखो अगर आप कंप्लीट हिंदी में बोलेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, श्योर है, वो मत बोलना. क्योंकि क्या होता है, इंटरव्यूअर बहुत नए नए तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं. कविता आपका कोई क्वेश्चन? हेलो सर. कविता पूछा करो. पता है क्या कविता, आप लोग है ना बोल्ड बनो, बात करना सीखो. क्योंकि बहुत से लोग देखो यहाँ फेस छुपा कर बैठे हैं, बहुत से लोग आवाज नहीं निकाल रहे. वो सिर्फ पता है क्यों आए हैं, क्योंकि उनको फ्री में एक लाइन मिली, एक ऑफर मिला, तो वो आ गए. देखो आना सीखो, बात करना सीखो, वरना तुम कैसे सीखोगे जिंदगी में. मेरा मकसद तुम लोगों को बात करना है, बात तुम्हें डेवलप करना है. अदरवाइज दिस इज माय डेफिनेट टाइम, मैं जाकर अपनी एक्सरसाइज करूँ ना, मैं कहेगा तुम लोगों के पास अपना टाइम खराब कर रहा हूँ. मंजू वेलकम. यस सर, यू आर राइट. और ये बहुत हेलो सर, गुड इवनिंग सर. यकीन मानना हार्डली 10-15 मिनट्स रह गए हमारी क्लास में. तो सिद्धिका वेलकम, आप आइए सिद्धिका सामने आइए. यस मंजू योर क्वेश्चन. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग मंजू, हाउ आर यू, बोलिए. सर आई एम फाइन सर, थैंक यू सर. आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर एनबीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स सर. आई हैव अ क्वेश्चन दैट. रुकोगे प्लीज सिद्धिका, यस मैं सर. आपको जानबूझकर लिंक भेजा है. सबसे पहले तो ये मैंने आपको बताया नहीं था कि आज मैं इन लोगों को कुछ करवा रहा हूँ क्लास. मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सिद्धिका को मैं अभी क्लास दे ही रहा था ऑनलाइन की. तो सिद्धिका मैंने आपको कन्वे नहीं किया था, ये फ्री क्लास है उन बच्चों के लिए जो अपने तक नहीं पहुंच पाते या ज्वाइन नहीं कर पाते. मे बी द अदर रीजन, कोई भी अपने का अपना मकसद ये नहीं है, वो कहीं भी ज्वाइन करे, उनको जो इंडिया में बेस्ट लगता है वो ज्वाइन करे. मगर सिद्धिका मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो कुछ गर्ल्स है यहाँ पर, देखो सीमा धनंजय बैठा है, नीति बैठी है, विधि बैठी है, संगीता बैठी है, ये स्विच ऑफ करके बैठे हैं सिर्फ अपना मतलब वॉइस भी और वीडियो भी, ये डेवलप कैसे होंगे आप मुझे बताइए सिद्धिका. इफ दे डोंट टॉक विद मी, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बढ़ेगा? दे आर जस्ट शाइंग, इवन आस्किंग क्वेश्चन दे आर शाइंग. हाउ विल दे डेवलप अकॉर्डिंग टू यू सिद्धिका? ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस आपको सुन रहे सिद्धिका, अभी पहले आपको सुन रहे सर. पार्डन. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग नीति. सिद्धिका ये डेवलप कैसे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस से? तो ये घबराएंगे. कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस तो मैं रोज देता हूँ मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स को. आप सिद्धिका अटेंड करती हो ना 12 बजे क्लास अटेंड करती हो ना सबके सामने, सबसे बात करती हो ना? जी जब फ्री नहीं होंगे, अगर हम बात करने में फ्री नहीं होंगे तो फिर हम कैसे मैडम इस तरह आप सामने हो मगर आप ऑफ करके रखे हो, आप बात नहीं कर रहे. यही मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना होना चाहिए. इवन प्रियंका इज माय स्टूडेंट, मैंने सिर्फ दो स्टूडेंट्स को अभी तक भेजा है लिंक, मैंने अपने स्टूडेंट्स को यहाँ इनवाइट नहीं किया है. इनको भी क्यों किया है, ताकि कम से कम इनको देखकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, यार चलो बात करते हैं सर से, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं. मैं यहाँ पर ना आपकी हेल्प करने आया हूँ, मेरा मकसद कुछ भी नहीं है. मैं ये नहीं पूछूंगा कहाँ क्या कर रहे हो, किससे ज्वाइन, कहीं मर्जी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर टीचर बेस्ट होता है दुनिया में. आपके पास कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो ना तो भी इस समय पूछ लो, मगर टाइम लिमिटेड है, थोड़ा सा जल्दी पूछना प्लीज. आस्क योर क्वेश्चंस, कम ऑन, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट. सर जैसे मैं हाउसवाइफ हूँ और ना मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस मैडम सबसे पहले तो हाउसवाइफ हो आप, अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में बना सकते हो. मैं आपको बताता हूँ कैसे. आपके पास समय तो आपके पास था ना, कुछ समय, तो ऐसा कोई जरूरी है कि हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए. हमें अगर नॉलेज भी है ना तो हम उसको एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. मगर उसके अंदर मैडम आपको पता ना कि सच बोलने में हमें कुछ याद नहीं रखना पड़ता, मगर अगर डिप्लोमेटिक होना है तो थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी होना पड़ेगा. बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप कवर अप कर जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. उसको आप ये मत मानिए आपकी तरह बहुत से हाउसवाइफ हैं हमारे पास या वैसे जो इंटरव्यू देने जाएंगे और सिलेक्ट होंगे, आप ऐसा मत सोचिए सबसे पहले. ओके यस, एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चन? यस सर. मोटिवेट करो कि बात करें, आधे से ज्यादा तो शर्मीली लड़कियां बैठी है यहाँ पर जो बात भी नहीं करना जानती, बोल ही नहीं रही, कोई क्वेश्चन नहीं है उनके पास, वो सिर्फ देख रहे हैं बस कि जो मिल जाए मिल जाए, ठीक है जो भगवान दे 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 दे, कोई बात नहीं. हाँ जी सर, डेमो टीचिंग का करवाना है सर, उसको हिंदी में दे सकते हैं सर डेमो को? हाँ जी, देखो आपका सब्जेक्ट क्या मुझे ये बताओ मिस्टर सुनील. सर TGTW सर, वर्क एक्सपीरियंस. आपका टॉप, आपका सब्जेक्ट क्या है सर? वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड रहता है, लेकिन पोस्ट का नाम वर्क एक्सपीरियंस है सर. वर्क एक्सपीरियंस? नहीं, उसमें क्या टीचिंग जॉब है क्या, कौन सा है मुझे बता तो दो बेटा.
सर वर्क एजुकेशन सब्जेक्ट रहता है, इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट वो इलेक्ट्रिकल रहता का है रहता सर, है क्या? तो इलेक्ट्रिकल। उसमें है ना, मेरी ये हाँ राय है कि सर, आपका टेक्निकल राउंड क्या ना, तो आपको इंग्लिश में डेमो आना चाहिए। मैंने आज अपने सारे कैंडिडेट्स को इंग्लिश में डेमो करवाया। ना मैं आपको स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि आपको ना डेमो इंग्लिश में आना चाहिए, कंपलसरी मान लो इसको। और कोई बड़ी बात नहीं है, 3 मिनट इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं होती। और तुम्हारे पास है ना सुनील, सारे वर्ड टेक्निकल है, सारे सर, इंग्लिश के वर्ड होते हैं, मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर टेक्निकल तुम्हें नहीं आएगी प्रॉब्लम, लोग क्योंकि पढ़ा रहे हैं मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड में जब सर। इंग्लिश के, आज अगर प्रियंका को बोलूं प्रियंका डेमो इंग्लिश में देना है, प्रियंका इज कैपेबल, बायोलॉजी की स्टूडेंट है, क्या प्रॉब्लम है? सिद्धि का उर्दू की है, ऑब्वियस है कि वो ज्यादा एक्सपेक्ट उर्दू लैंग्वेज, उर्दू वर्ड्स के करेंगे, मगर कुछ वर्ड्स अगर ये इंग्लिश के दे ठीक देते हैं तो इनको बेनिफिट ही मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा, नो वरी एट ऑल। संगीता आपके पास है कोई क्वेश्चन नहीं है? सर, वैशाली, टेक्निकल होती है। हाँ नेक्स्ट जी सर, क्वेश्चन। वैशाली, सर यस सर, आई वांटेड टू आस्क वन ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, बट एनीबडी इट्स कैन बी फास्ट कलर प्लीज। ब्लाइंड। सर सर, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन हाँ जी सर। मंजू, जैसे मेरा इंटरव्यू होगा तो सर मुझे उसमें एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए कि मतलब बियॉन्ड उसके कि पीजीटी उस पे देखिए फोकस करना आपको जो चाहिए। इंटरव्यू के क्वेश्चंस देने हैं वो आपको अपनी एजुकेशन के बेसिस पे देने हैं, वो आपको इस पीजीटी पीजीटी लेवल को नहीं देखना, मगर जो आपका डेमो होगा वो एक लेवल तक होगा। यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या मुझे बताओ मंजू? पीजीटी इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स है ना, तो इकोनॉमिक्स का कोई एंड नहीं है, वो सर, आपसे यस बजट की भी बात करेगा जो आपके कोर्स के अंदर अभी तक नहीं आया है, बच्चों वाले कोर्स के अंदर, मगर आपसे बजट में एजुकेशन पे ज्यादा फोकस रखेगा, याद रखना। और बजट के ओके अंदर सर, इससे वाले इकोनॉमिक्स सुनते ही उसके मन में के अंदर इन्फ्लेशन आया था। मैंने अपने बच्चों से एक दिन डिस्कस कर रहा था ना श्रीलंका और पाकिस्तान के बारे में, वो टॉपिक्स देख लेना, और एफडीआई एफआईआई ओके देख लेना, सर, एनपीए देख लेना, और आरबीआई वगैरह देख लेना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वगैरह, इसका ओके डेफिनेशन सर वगैरह देख लेना, और एफपीओ आईपीओ वगैरह देख लेना, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछता है। सर, आई हैव अ प्लीज कॉल क्वेश्चन ना करें, प्लीज सिर्फ वही लोग रखे, बाकी म्यूट कर लें, ज्यादा अच्छा। हाँ जी कविता, जल्दी सर, आई हैव अ क्वेश्चन पूछो कविता, टाइम लिमिटेशन है हमारे पास। सर। एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट टीजीटी इंग्लिश है, सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे मतलब पोएम्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर जो लिटरेचर में एनसीईआरटी की स्टोरीज होती वैसे हैं उसके तो लिए आपको डेमो बताता हूं, करने अगर के आपका टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर है ना, तो क्वेश्चनिंग जो इंटरव्यू की बनेगी वो तो आपके फेवरेट पॉइंट्स वगैरह पे बनेगी, मगर आपको जो डेमो दे सकते हैं वो आपका टीजीटी लेवल का डेमो आपको सर। देंगे, पर इट इज नॉट अ कंपल्शन। वो आपको ये भी कह सकते हैं कि अगर आप कोई डेमो बना कर लिए तो आप डेमो दे दीजिए, ये भी होता है। यानी कि सुनील को ये भी कह सकते हैं कि टेक्निकल का बेटा कोई टॉपिक बनाया है क्या, ये कहेगा हाँ बनाया है सर, चलिए जाइए वो दीजिए, फिर उस पे क्वेश्चन जरूर पुट अप करेंगे। तो आपको ये कह सकते हैं कि आप कोई पोएम बनाकर लाए हो क्या अपनी तरफ से, आप कहेंगे हाँ जी सर मैं हमने बनाया है, तो देखिए आपके पास पोएम स्टोरी और ये सब होना चाहिए एक एक करके, और इस पर डेमो आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है? इसके सर इट अकॉर्डिंग ही मीन्स आपका पोयम भी प्रिपेयर करना है एंड लिटरेचर पार्ट भी, राइट? इंग्लिश है ना आपका? यस सर, आप तेलंगाना जा रहे हो क्या, हैदराबाद कहाँ जा रही हो? सर मैं दिल्ली से में हूँ, मतलब मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ राइट नाउ इंटरव्यू देने मैडम, सर। अभी तो मेरे इंटरव्यू का कोई आइडिया नहीं है, मैं बस अब आई नो कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे जैसे मैंने पेपर केवीएस, किया उसके केवीएस है बेस ना, पे। केवीएस सो है क्या? यस सर, केवीएस। देखो जो केवीएस है ना उसमें एनवीएस से ज्यादा इंग्लिश को महत्व दिया जाता है। अभी तक एनवीएस वाले बच्चों को मैं ये सर कहता आ रहा राइट था कि नाउ आई बच्चों टीचिंग ऐसा है कि है ना आप है ना इतना इंग्लिश पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप हिंदी लेवल पे और लिमिटेड सा इंग्लिश बाइलिंगुअल रखना, मगर अब की बार क्या हुआ मंजू, संगीता ध्यान से सुनना, हमारे जो हिंदी के टीचर्स सर, हैं उनको भी बोला कि आप है ना जाइए स्टेज पर और एक पोएम दीजिए, इस पोएम को आप इंग्लिश में भी बताओ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी, तो आप वर्ल्ड की सेकंड लैंग्वेज का तो यूज करके दिखाओ। आपके पास एक होना चाहिए हुनर कम से कम, मैं आपको हिंट देता हूँ छोटा सा। देखो एक तो है ना अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कर लो, कोई जरूरी नहीं है मंजू वहां पर आपको सुनाना ही है, क्यों सुनील सुनाना ही है ये जरूरी नहीं है, मगर आप कम से कम यस इंग्लिश सर, में अपना एक इंट्रोडक्शन कर लो। मैं ये नहीं कहूंगा सारे डेमो आप इंग्लिश में करके जाओ, मैं कभी राय नहीं दूंगा वैशाली को भी नीति को भी, मगर ये जरूर कहूंगा कि एक आधा डेमो आपके पास इंग्लिश का होना चाहिए, कि कल को अगला कह दे कि भाई मैडम आपको एक डेमो देना है और वो डेमो आपको इंग्लिश में देना है, आप दे सकते हैं? श्योर sure, सर आप जाइए ना, क्योंकि एक डेमो तो आप बना कर ले गए हैं, और एक दो डेमो अगर आप इंग्लिश में बना भी लोगे ना, तो जो डेमो आपने बाइलिंगुअल बनाया है या हिंदी उसको भी आप कन्वर्ट कर लोगे थोड़ा थोड़ा अपनी लैंग्वेज के, ऐसा कुछ नहीं। संगीता आपका टॉपिक वो सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स है सर। मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स तो यस वैसे भी सारा ऑलमोस्ट
आप जानते हो कि पार्ट ऑफ इंग्लिश होली, कोई ऐसी बात नहीं है। और विशाली आपका टॉपिक क्या है? पीआरटी? क्या? ठीक है, देखो पीआरटी के अंदर तो मैं आपको लेवल ऑफ कम्युनिकेशन ये रखूंगा कि बच्चों की तरह आपका वो जो डेमो है ना उसमें एक्सप्रेशन ज्यादा रखना, एक्सप्रेशन के मार्क्स मिलते हैं पीआरटी, ध्यान रखना। और मंजू आपका टॉपिक? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। वेरी आई हैव प्रिपेयर्ड टू थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड सेकंड वन इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ओके राजू आपका लाइब्रेरी है ना? राजू जी लाइब्रेरी है ना? राजू जी वॉइस नहीं आ रही आपकी। नीति आपका टॉपिक क्या है? सर एसएसटी सोशल साइंस। सोशल साइंस है ना, सोशल साइंस के अंदर आपसे वो एक्सपेक्ट करेगा कि यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू स्पीक ऑल दिस टॉपिक्स इन बोथ लैंग्वेजेस। अपनी कमांड है ना थोड़े से वर्ड्स से दिखा दिया करो, थोड़े से अपने वर्ड्स में ना आप कंप्लीट हिंदी बोलते हो ना तो उनको लगता है यार ये कैसे मैनेज कर सकते, तब वो आपको ज्यादा खींच, तो उसको थोड़ा सा ना अपनी इंट्रोडक्शन और कई बातों में ना थोड़े से वर्डिंग्स दिखा दिया करो, दैट आई एम यूज्ड टू विद इंग्लिश होस्ट, फिर वो आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। मतलब फिर आपको ना अगर डेमो भी देना है तो आपको यू प्रेशर नहीं करेगा कि कविता यू हैव टू स्पीक योर डेमो ओनली इन इंग्लिश, नहीं ऐसे नहीं कहेगा वो, आपको यू कहेंगे ओके डेमो दीजिए, क्योंकि ही नो वेरी वेल कि आप अभी तक जो इंट्रो देते आ रहे हैं उसमें आपने बाइलिंगुअली यूज किया, तो ऑब्वियस है यू आर यूज्ड टू विद इंग्लिश, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर मे आई आस्क क्वेश्चन? हम करिए, मैं प्रियंका और सिद्धिका को नहीं कह सकता यहाँ पर क्वेश्चंस पूछने के लिए, ये मेरी यूज्ड टू और ऑलरेडी मेरी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन की, और इन दोनों को लाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोग मोटिवेट होइए, क्योंकि इनको मैंने इंटीमेट नहीं किया था कि आज मैं कोई नए बच्चों को क्लास फ्री दे रहा हूँ, बस ये तो एक आप लोगों के साथ इंटरेक्शन था कि आप लोग मोटिवेट होइए, सामने आना सीखिए, शाइनेस दूर करिए। हाँ जी क्वेश्चन पुट अप कीजिए। यस सर आई हैव टू क्वेश्चन, फर्स्ट वन इज दैट हाउ मेनी इंटरव्यूअर विल देयर, बिकॉज़ इट इज एप्रोक्सीमेटली 5 टू 7, एप्रोक्सीमेटली 5 टू 7 आर देयर, कुछ बड़ी बात नहीं होती बल्कि फायदा होता है अपने को, क्योंकि अपने आई कांटेक्ट अच्छा होता है, अपना जो बैठने का जो पोस्चर रहेगा वो सारे कॉम्पिटिटिव होंगे, आपके मार्क्स बाइफरकेट हो जाएंगे, एक ही आदमी के हाथ में नहीं होंगे, तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा इस चीज का, याद रखना एक बात। और देखिए इंटरव्यू में क्या होता है, आपको एक बार अगर आपने अपनी छवि अच्छी कर ली ना, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी कर ली इंटरव्यू के दौरान, तो आप एक दो क्वेश्चन छोड़ भी दोगे ना तो बाकी लोग ऐसा नहीं है कि आपको ये कहेंगे यार मार्क्स देंगे, नहीं उनको अच्छा लग रहा है ना वो आपको खूब अच्छे नंबर देंगे, मगर हो सकता है जिसने क्वेश्चन पुट अप किया उसको लगा यार इन्होंने दो नहीं बताई, मान लो उसने कम दिया मगर नंबरिंग ज्यादा है तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है, बल्कि लॉस नहीं होता बेनिफिट होता है। Should I prepare an EVS, NCERT and Hindi RimRim for PRT or not? PRT के लिए तो prepare compulsory है, हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों, खास करके छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं आप करने पड़ेंगे आपको, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको एकदम से। और एक बात और याद रखना विशाली आपको मैं एक टिप देता हूँ, मैं भूल गया टिप देनी आपको, आपके लिए टिप है कि जब आप PRT का डेमो देंगी ना तो कोशिश ये करना कि क्लास के अंदर प्रेजेंट चीजों को लेना, क्योंकि बच्चा जल्दी सबसे जल्दी उन्हीं चीजों से जल्दी सीखता है। पीआरटी का जो डेमो होता है ना विशाली, वो बाकी सभी डेमो से बिल्कुल यूनिक होता है, ये बात हमेशा मिलकर चलना। मतलब पीसीटी टीसीटी लेवल का जो लेवल है वो थोड़ा स्टैंडर्डाइज होता है, इसका स्टैंडर्डाइज नहीं होता, इसमें आपको बेसिक से लेना है, यानी कि ये मानकर चलना है मेरे को जमीन से उठाना है बच्चों, और वहां से आपको बेस स्ट्रांग रखना है उनका, तो आप बेसिक चीजें लेंगे ना कि ज्यादा हाई फाई लेंगे। गरिमा संगीता आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है? सर सर इंटरव्यू में शेयर करके जाना पड़ेगा। हाँ यार कर लो यार, पड़ेगा क्या, जिंदगी भर करना पड़ेगा, ये देखो रोज सुबह करते उठ के काम करना है, प्रोफेशनल बनना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, कितने दिन के तो हो तुम, क्यों पूरे 500 साल नहीं आए दुनिया में, ध्यान रखना थोड़े समय के लिए हो, उसके अंदर भी परफॉर्म बढ़िया नहीं करोगे तो ऊपर भगवान को जाकर क्या कहोगे, वो कहेगा क्या यार तेरे को भेजा भी था और कुछ नहीं करके आया, तो जो काम मिल रहा है ना उसके अंदर इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि भगवान भी फूल बरसाएगी यार, बंदा तो यही है वाकई में, बाकी तो दुनिया में काम ही चल रहे हैं, सुन लिया ना, छोटा बड़ा कभी नहीं होता। तुम लोगों को अगर एनवीएस मिल जाए, केवीएस मिल जाए, इतना शानदार पढ़ाना कि तुम्हें मतलब कॉन्शियस तुम्हारा 100% से भी ऊपर होना चाहिए कि वाह यार वाकई में बंदा अपना काम बड़ा गजब कर रहा है, सच में पूरा डेडिकेट है अपने काम के लिए, ऐसे होना चाहिए, वरना छोड़ दो कोई और काम कर लेना, दुनिया में पैसा कहीं कमा लेना, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी करोगे कमा लोगे। टीचिंग एक ऐसा नॉबल प्रोफेशन है, सभी टीचर्स को मैं यही कहता हूँ कि या तो इस प्रोफेशन में मत आओ, और अगर आ गए ना फिर सब कुछ भूल जाओ, फिर एक समुद्र बनना सीखो कि मेरे से जो जो ले सकता है ले ले, इतना है मेरे पास, तुम्हें लेने में दम होना चाहिए,
फिर आप समुंदर बनो, तब कोई मजा है। तुम छुप छुप के रखो, नहीं नहीं ये तो मेरे स्टूडेंट को बताऊंगा, नहीं नहीं ये तो प्रियंका को बताऊंगा, सिद्धिका को बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनमें गट्स होंगे तो सक्सेस पा लेगी। और एक ही बात मैं भगवान से भी कहता हूँ कि उसी को सक्सेस दिलाना जो मेहनत करे। सीधी बात, मेरा स्टूडेंट हो चाहे ना हो कोई मतलब नहीं है। हाँ मैं मेहनत करवाना जानता हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट्स को मेहनत करवाना जानता हूँ, उनको मैं खूब पसीने बहाता हूँ जो यहाँ पे आते हैं। ये लोग तो क्या है, नेटवर्क इनके अंदर आते तो ये ज्यादा टच में नहीं आ पाते, मगर ऑफलाइन वाला बच्चा तो बिल्कुल पास में होता है ना, तो उसके तो कान भी पकड़ सकते हैं। और ये गरिमा पूजा बिल्कुल शाई नेचर्ड गर्ल, नोट आस्क सिंगल क्वेश्चन स्टिल। यस नीति, कविता, एनी क्वेश्चन, मंजूर, विशाली सर, आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन मैडम, कम फ्रंट, इसको फ्रंट आगे introduction... आकर बात ही नहीं करनी आती, वो क्या बात करेगा, क्या क्वेश्चन पुट अप करेगा, इतनी क्या शाइनेस रखनी। जब आप लोगों से बात ही नहीं कर पाओगे, इन सबको बात ही नहीं कर पाओगे, कैमरा ऑफ करके साइड के घर के कोने में बैठे हो, तुम क्या बात करोगे किसी से, इंटरव्यू कैसे दोगे तुम लोग। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कॉम्पीट विद पीपल। अपने चेहरे को छुपाए रखो, क्वेश्चन मत पूछो, सिर्फ सुनो इन लोगों से, इनके पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। राजकुमार सर, पूजा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड सर? सर आई जस्ट जॉइन अभी रिसेंटली। ओ पूजा सॉरी, बट सम ऑफ द गर्ल्स वर देयर, दे आर वेरी शाइंग गर्ल, हाउ कैन इट बी पॉसिबल फॉर देम टू गो फॉर इंटरव्यू इफ दे आर शाइंग इनफ। आई वांट देम, आई एम नॉट शाइंग गर्ल सर, आई एम वेरी टॉकेटिव। I didn't, you didn't get madam. I am saying there are few students, those who are shying, and I am motivating them that they should come front. They should talk Kavita, like Sitika, Sangeeta, Priyanka, Manju. They should be bold enough and have their own questions, or I'll be able to answer them in proper manner. Agar aapke questions sincere honge, mere answers bhi bahut shandar honge. Anybody else? Yes, new sir, question? Yes, Manju. Sir, while giving introduction, should we focus on like math? I'm from Jhansi, तो झांसी के बारे में मुझे कितना बताना चाहिए? एक लाइन बतानी है झांसी के बारे में, एक लाइन सिर्फ याद रखना, दूसरी लाइन नहीं आनी चाहिए झांसी के बारे में, क्योंकि ये इंटरव्यू आपका है, ये इंट्रोडक्शन आपका है, आपके पेरेंट्स का नामो निशान नहीं आना चाहिए जब तक वो ना पूछे, क्योंकि दुनिया में फैमिली का आंसर सबसे आसान क्वेश्चन होता है। मंजू इसको इतनी जल्दी मत जाने देना, उसका टाइम लेना। दूसरी बड़ी बात, फैमिली का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, तो उसका टाइम लेना। फिर अपने बारे में ज्यादा बताओगे तो इंटरव्यूअर आपसे ज्यादा क्वेश्चन करेगा, आप उसको अपने ट्रैक पर ले आओगे। इंटरव्यू क्या होता है, एक ट्रैपिंग होती है, आप इंटरव्यू देते देते उसको अपने एक ट्रैपिंग में ले आओ, आप वो बातें बोलेंगे जिसके अंदर से वो क्वेश्चन फूट अप। जैसे आप बोलना, मैं बताता हूँ आपको, मंजू का मीनिंग क्या होता है। सर द मीनिंग ऑफ माय नेम इज प्लीजेंट। प्लीजेंट ना, और आप झांसी से बिलोंग, आपकी एजुकेशन क्या है? सर आई हैव डन बीबीए देन बीएड एंड आफ्टर दैट आई डिड एमए। कॉमर्स, कॉमर्स की हो गया आप? यस सर आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। ओके ओके, मैंने भी अपनी लाइफ में बीबीए किया था, देवी लव विश्वविद्यालय से। चलिए मैं शुरू करता हूं। हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, सर आई एम मंजू। And sir, my name matches my personality. Sir, my Raju Kumar, sir. And cheerful girl. I like to help others and I'm a philanthropist type of girl. Sir, I belong to Jhansi, which is famous for its Rani Lakshmi Bai. वहीं से ही ना वो Rani Lakshmi Bai. Yes, sir. Yes, sir. बस आपने एक ही बात बोलकर उसको छोड़ देना, ये होती है ट्रैपिंग, समझे? Sir, I've done my bachelor in business administration with excellent grades, जो भी आपके percentage है, and BEd with this much. उसके बाद देखो अपनी हॉबीज वगैरह जो भी आप कर रहे हो, हिंदी इंग्लिश बाइंड बोल रखो, कोई प्रॉब्लम। पर ये तरीका अपनाना, मुझे याद रखना मेरी बात। और आप कॉमर्स की हो, आपसे मैक्सिमम बातें वो आपके जो वर्ड्स है वो इंग्लिश के होने चाहिए, ज्यादा इफेक्टिव लगेंगे। ओके okay, सर, बहुत बढ़िया मंजू, कीप इट अप। उसके बाद आपने क्या एमकॉम किया या एमबीए किया? सर आफ्टर दैट आई डिड बीएड एंड आफ्टर बीएड आई हैव कंप्लीटेड एमए इकोनॉमिक्स। आपको मैं बताता हूं, मैंने ना 11th और 12th मेडिकल की, तो कई बार मैंने सोचा कि यार मैंने मेडिकल की तो मैंने आगे ना, मेरा मन नहीं किया आगे मेडिकल पढ़ने का। मुझे मैनेजमेंट के बारे में पता लगा, उस समय हमारे राजस्थान में मेडिकल नहीं होता था, तो मुझे मध्य प्रदेश जाना पड़ा, देवी लव विश्वविद्यालय से मैंने एमबीए वो किया, बीबीए जो बता रहे जो आपने किया था। फिर ना मैंने मतलब कॉमर्स में आ गया ना, मैं साइंस से कॉमर्स में आ गया, देखा आपने। फिर ना मैंने टीचिंग लाइन में आना, तो मैंने एमए इंग्लिश एमफिल इंग्लिश की, एक और एमबीए की थी मैंने एचआर, वो सिम्बायोसिस से सुना होगा आपने, एचआर में मैंने yes, ना, अब मैं ना पीछे मुड़ के देखता हूँ ना मंजू, क्या ये मतलब मेरे साथ ना ऐसी स्टोरी क्यों हुई, जैसे मेरे को ना साइंस भी मिली, मेरे को कॉमर्स भी मिला,
मुझे आर्ट से मिला। सच्ची कह रहा हूँ मंजू, आज इतना बेनिफिट हो रहा है ना आप सोच नहीं सकती। आज मैंने प्रियंका से इतने क्वेश्चन पूछे साइंस के, आप सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 11th 12th के अंदर वो थी, और आप इकोनॉमिक्स की हो ना, मैंने अभी भी आपको काफी टॉपिक्स बताए थे, आपको जो मैंने अभी बोला था। तो ये सारे टॉपिक्स मैं यूज टू सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, और इंग्लिश मेरा फेवरेट टॉपिक है। इंग्लिश में किताबें लिख चुका हूँ, स्पोकन ग्रामर। आप मुड़के देखते हैं ना तो पता लगता है अपनी क्यों हमें मतलब इस ट्रैक पे लेकर आया था, क्यों अलग अलग ट्रैक करवाया। तो आप प्लीज साइलेंस रखो, प्लीज साइलेंस रखो, बाकी लोग तो कुछ ना कुछ रीजन होता है सर। मेरा एक क्वेश्चन है, करवाना चाहता है आपसे, आप जितनी जल्दी उसको देख लोगे उतनी जल्दी आप सक्सेस पा लोगे। तो जो भी मिले ऑनेस्टली करना है, मतलब सीधी बात, एक काम हमेशा ध्यान रखना, जो काम मिले छोटा बड़ा मैटर नहीं करता। और टीचिंग प्रोफेशन दुनिया का सबसे नॉबल, वेल रेस्पेक्टेड, तो इसको तो इतनी एनर्जी के साथ करना, बस फुल एनर्जी के साथ, तभी मजा है। यस पूजा, कोई क्वेश्चन पूछना चाहोगे आप? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आप पूजा जल्दी करो सर। आई आल्सो डिड बिलीव सर, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट दे आस्क इन बिलीव सर, व्हाट दे विल डू इन डेमो टीचिंग। I just want to ask. मैडम आपने क्या किया है जरा दोबारा बताइए मुझे, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। सर मैंने JBT भी कर रखी है और मैंने BLEAP भी कर रखा है। सर मैं चाहती हूँ पूछना कि अभी BLEAP में वो डेमो टीचिंग में क्या करवाएंगे? मैडम BLEAP मुझे बताएंगे क्या, क्योंकि मेरे शायद ना समझ में। सर लाइब्रेरी कोर्स हो रखा है मैंने, लाइब्रेरियन का। अच्छा मैडम आप लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए जा रही हैं? लाइब्रेरी साइंस। हाँ जी सर। अच्छा आप लाइब्रेरी का इंटरव्यू देने जा रही है KVS में, राइट? हाँ जी सर। मैडम उसके अंदर तो बहुत चीजें होती है लाइब्रेरी वाले के अंदर, तो कि बुक का फॉलो कैसे रखना है, आपका सेक्शन कैसे बनाना है, क्या क्या चीजों का रिकॉर्ड रखना, बहुत चीजें होती है उसमें। तो वो सारी चीजें ऐड ऑन होगी, आपने वही पढ़ा होगा, श्योर है बिलीव में आपके कोर्स के अंदर, जो आपका जो कोर्स था ना उसके अंदर आपने वही पढ़ा होगा कि सेक्शन डेप्थ में पूछते हैं क्वेश्चन काफी। मेरी लास्ट ईयर सर मैंने डिस्टेंस से किया है तो सर इतनी नॉलेज नहीं है, बस मतलब बस नोट्स रीड आउट कर ली। तो सर वहां मुझे बस यही डाउट है कि वो लोग क्या पूछेंगे वहां। मैडम आप कहोगे तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरा एक बार एक लाइब्रेरी वाली एक तो स्टूडेंट है मेरी सिलेक्ट हुई भी है, श्योर है। आप एक बार गो थ्रू करना लाइब्रेरी इंटरव्यू, लिखोगे ना पीडी क्लासेस, आपको कहीं ना कहीं उनका वीडियो मिलेगा, काफी क्वेश्चंस बताए हुए उसने अच्छे अच्छे, श्योर है मैडम पक्का। ओके सर, ओके सर। क्वेश्चन आपका फटाफट पूछ लो प्लीज, बहुत कम समय रह गया। निशा सॉरी सर आई फॉरगॉट टू अटेंड द मीटिंग। राजू कोई क्वेश्चन अभी पूछ लो मैडम, अभी पूछ लो निशा सर। करंट अफेयर्स भी कंपलसरी है क्या? मैं भी लाइब्रेरी का ज्यादा करंट अफेयर्स सर, बहुत ज्यादा नहीं सर। डेमो टीचिंग पे क्या क्या फेस करना पड़ता है सर? राजू दोबारा क्वेश्चन पूछो बेटा। जी जी सर, पूछा है ना कि जो लाइब्रेरी वाला डेमो में क्या क्या करवाना पड़ता है? क्या लाइब्रेरी डेमो के अंदर डेमो नहीं लिया जाता, लाइब्रेरी डेमो के अंदर आपको क्वेश्चन सेक्शंस बनवाने के लिए दे दिए थे, कि मतलब कि मान लो आपको बुक्स रखनी है तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या आपको फॉर्मेलिटीज करनी है, वो आपने अपने कोर्स में पढ़ा हुआ होता है, श्योर है मुझे पता है। उसमें डेप्थ में भी क्वेश्चंस होते हैं काफी, आप चेक करना आपको पता लग जाएगा। लाइब्रेरी का मेरा इतना रिकॉर्ड नहीं रहा हुआ, मगर मैं आपको बता सकता हूँ ये चीजें। और मेरी कुछ स्टूडेंट है जो सिलेक्टेड है, उनके वीडियोस आपको मिलेंगे, नहीं मिले तो मैं भेज दूंगा आपको लिंक, चिंता मत करो। एनी मोर क्वेश्चन? कविता, मंजू, निशा, वैशाली, गरिमा सर, आई वांट टू जस्ट वन मोर क्वेश्चन फास्ट सर। हिंदी मीडियम में लैंग्वेज दे सकते हैं? नहीं यार ये नहीं कह सकते आप उसको। लाइब्रेरी जैसे इंटरव्यू के अंदर तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास हर तरीके की बुक आएगी, सारी बुक आपके पास हिंदी की नहीं आएगी, तो यू शुड बी फाइन। रुक जाओ, हैव गुड कमांड, दोनों लैंग्वेज में देना पड़ेगा ना सर। खुद रेडी करके जाए या फिर वो लोग बोलेंगे? मैडम टॉपिक आपके खुद के भी होने चाहिए और वो भी आपको देंगे, अगर आप चाहते हो तो आपको बोल देंगे, अदरवाइज वो आपको वहाँ से। बहुत वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिए। सॉरी मुझे, चलिए निशा ने म्यूट कर दिया, अच्छा लगा। हाँ जी नीति आपका कोई क्वेश्चन? मंजू प्लीज बी फास्ट, हार्डली 5 मिनट्स लेफ्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी जल्दी कविता। And yes, you should have good fluency, and they can ask you about your spellings also. They can talk to you in English about your favorite poet and all those.
but most probably since you are a literature girl, they will talk more about the Shakespeare or your favorite, whatever. Kaun sa favorite aapka? Sir, Robert Frost, but right now I don't know anything Robert about Frost him. तो वो है ना, miles to go, वो नहीं है क्या Robert Frost की? Sir, right now I don't know anything about him. Before I sleep, miles to go, मैंने पढ़ी है, MA English में मैंने वो, है ना वही है ना, बहुत अच्छी है वो, last Sir, मैंने MA नहीं किया है. अच्छा एमए नहीं किया तो उसमें ना वो कौन है हमारे ये पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी को शायद टेबल पे भी मिला था और भी कई जगह पे मिला माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. हां जी निशा अपना क्वेश्चन पुट अप करिए जल्दी. सर आई वांट टू आस्क दैट विल दे आस्क करंट अफेयर्स आल्सो मैडम? नॉट मच, मगर हाँ विमेंस डे आ रहा है तो आप लोग प्लीज एक दो बातें ध्यान रखना कि विमेंस डे का स्लोगन वो क्या है, कलरिंग क्या है, ये क्या है, मोटो क्या है, ये दो चार बातें डेट आप प्लीज कर लेना है. उनका होता है ना थीम, होता है ना थीम कि उसका थीम क्या है वो कर लेना है ना, वो थोड़ी थोड़ी बातें बस करंट आप कर लेना, ज्यादा नहीं पूछेगा श्योर. मगर जो इकोनॉमिक्स की गर्ल मंजू है ना, इकोनॉमिक्स वाले से ज्यादा इकोनॉमिक्स में बजट आया है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. FDI FII भी पढ़ लेना, ये बताना भूल गया था तुमको मैं, पता है ना क्या होता है सर. सर रीसेंट बजट करना है या फिर इससे पहले वाला भी बजट? नहीं मैडम रीसेंट बजट ही करोगे आप, फिस्कल डेफिसिट कैपिटल बजटिंग वगैरह डेफिनेशंस वगैरह कर लेना. मेरे पास कॉमर्स की स्टूडेंट है, कुछ कहोगी तो उसमें से टॉपिक्स पूछ के मैं आपको भेज दूंगा बस. अंकिता तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन? श्योर सर. वैशाली कोई क्वेश्चन? निशा कोई और क्वेश्चन? पूजा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो आप? जल्दी पूछिए प्लीज, हमारे पास लिमिटेड 3 मिनट्स लेफ्ट हार्डली. यस सर आई हैव. Yes, sir, I have one question. Jaldi, jaldi, jaldi. So, Mr. Prashant, would you also provide the NCERT summary if I join your classes? सबसे पहले तो joining की यहाँ बात नहीं करनी. हमारा काम यहाँ पर ज्वाइन करवाना नहीं है. आप कहीं भी ज्वाइन करो जो आपको दुनिया में अच्छा लगे. मेरा काम यहाँ पर पढ़ाई वो एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है. आप पर्सनल क्वेश्चन पूछो जो आपको तंग करते हैं, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं वो पूछो. आपको जो भारत में सबसे अच्छा टीचर लगे आप वहाँ ज्वाइन करो, कोई टेंशन नहीं, दुनिया में सारे टीचर अच्छे हैं. और बताइए सर. सर हाँ पूछो ना जल्दी. सर जैसे मैं कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे आता है, पता है उसके बारे में, बट मैं स्टार्टिंग करते ही फिर भूल जाती हूँ. मतलब पता होने के बाद भी ऐसा क्यों सर? एक्चुअली कमी यही होती है. मेरे पास भी जितने भी अच्छे अच्छे लेक्चरर्स आए हुए हैं या ऑनलाइन करते हैं ना, एक राइट मेंटरशिप लो. आप अपने लेवल पे ऑल इंडिया जो सर्च करो जो आपको बढ़िया टीचर लगता है, अगर ऑफलाइन कोई अपने शहर में भी कोई टीचर लगता है तो वो बुरा नहीं होगा. एक राइट मेंटरशिप लो, उनके साथ प्रैक्टिस शुरू करो. दैट इज द बेस्ट वे टू डेवलप योर सेल्फ एक इफेक्टिव. मगर हर किसी के पाँव की फुटबॉल मत बनना. द मेंटरशिप शुड बी स्ट्रांग इनफ, क्योंकि सबसे पहले उसकी पर्सनैलिटी जोरदार हो, उसको बातें आनी चाहिए, उसको बताना, तभी अदरवाइज वॉट हैपन वो आपकी वीकनेसेस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे और आपकी स्ट्रेंथ में से कुछ कम कर देंगे तो वो ज्यादा गलत हो जाता है. बल्कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए आपकी ज्वाइनिंग के अंदर, आपका जो सर्च है वो बेस्ट होना चाहिए. अंडरस्टूड? फिर 100% समर्पित होना चाहिए, जो कराएंगे बेस्ट कराएंगे बस. नेक्स्ट निशा कोई क्वेश्चन? विशाली, कविता, फास्ट, नीति, सुनील जी कोई क्वेश्चन? नीति कोई क्वेश्चन आपका? हाउसवाइफ? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी हाँ जी जल्दी पूछो प्लीज. हाँ कविता कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछो प्लीज. किसने पूछा था? संगीता ने. हेलो आस्क योर क्वेश्चन फास्ट. हाँ संगीता बोलो क्वेश्चन बोलो. क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? कविता पूछ रही है क्या? सर लाइब्रेरी वाला इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा भाई. वैशाली क्या बोला दोबारा बोलो प्लीज. सर शुड आई प्रिपेयर लेसन प्लान फॉर द पीआरटी? यस ऑफ कोर्स यू शुड हैव एन एक्सप्रेशंस के साथ में. पीआरटी के अंदर आपके एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस होने चाहिए. इवन आपका जो आंसरिंग है उसके अंदर आपके एक्सप्रेशंस अच्छे होने चाहिए. अब ये जो अपनी जो क्लिपिंग चल रही है ये जाने वाली है, इसलिए मैं आपको एक बार स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ. एक बार स्माइल करिए सभी और मेरी बेस्ट विशेस ले लीजिए. आप ध्यान रखिएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है. आप उस पर वर्क करेंगे अब भी सही. हर दिन इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि धीरे धीरे स्टेपिंग आगे बढ़ाना. ऐसा नहीं है कि वन डे मिरेकल हो जाएगा, लास्ट डे के अंदर आप बहुत कुछ करेंगे, ऐसा नहीं. स्टार्ट फ्रॉम टूडे ऑनवर्ड्स, डेवलप योर सेल्फ एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आप इंटरव्यूअर के सामने जब जाए तो आपको बिल्कुल भी फंबलनेस नहीं होनी चाहिए. आपका इंटरव्यू दी बेस्ट हो. बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं इंटरव्यू के अंदर हमें